चल रही है, बंदूक की चल रही है, परंतु यहाँ चर्चा हो रही है पार्टी की, राजनीति की। संविधान के बहाने अपनी पार्टी को चमकाने की, अपनी बात को चमकाने की बात चल रही है। इस मुद्दे में एक भी आदमी नहीं बोला, बात कही तो उदय भाई ने सारी बात अपनी बात कह सकी। बिना राजनीति महिला सशक्तिकरण तो होना ही चाहिए, और महिला सशक्तिकरण बाबा साहब ने महिलाओं को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कम्युनिटी की हो, सबको आजादी दिलाने का बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सिर्फ अनुसूचित जाति के ही नहीं थे बाबा साहब, बाबा साहब ने समस्त भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। जब देश आजाद हो रहा था तो संविधान नहीं बनता तो मैं आजाद नहीं होते, आज ये सफेद कुर्ता पहन के नहीं बैठे होते, ये मंच नहीं सजा होता। जिनको कुछ लोग नहीं मानते हैं, जिनको हम कहते हैं मनुवादी, तो अज्ञानी जी आप जो कह रहे थे बीएसपी एक कास्ट की बन गई, हम कहां मैत्रीता का भाव कर रहे हैं, हम क्यों कहे कि बन गई, हमें पार्टी से कोई मतलब ही नहीं। आज हम बात करने आए हैं दलित मुस्लिम सिख ईसाई और सबको एक साथ ले में, और दलितों में सब कास्ट को खत्म कर देते, ना कोई जाटव है, ना कोई वाल्मीकि है, ना कोई कुर्मी है, कोई है, हम सब सर्व कास्ट है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग हैं। और जिस दिन हम अनुसूचित जाति के सब कास्ट को खत्म कर देंगे, तब मुस्लिम भाइयों से कहेंगे भाईजान आप भी हमारे गले लग जाओ, आप भी जो ना आप लोहार बढ़ई कुर्मी कुरैसी और कसाई को छोड़ो, अब तुम भी एक मुसलमान हो जाओ, तब हमारा भाईचारे का काम होगा। और इस देश में जब हम इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन हम कहेंगे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हो, हक मिले। 15% लोग हम पर राज कर रहे हैं, हम जाति के नाम पर बिखर रहे हैं, धर्म के नाम पर बिखर रहे हैं। जहां तक डीएनए की बात की थी भाई ने, हमारा हमारी बहन चली गई, डीएनए की बात की, डीएनए वास्तव में हमारा एक, हम देश के मूल निवासी हैं, चाहे वो दलित हो तो मुसलमान हो, हम सब ने मिलकर के देश के लिए लड़ाई लड़ी है, और हमारे ऊपर हम देश के लिए काम करते रहे, और चालाकी से वो सत्तासीन हो गए जो लोग 15%। तो मैं इतनी बात कहूंगा, ध्यान दीजिए अशोक जी, अशोक भाई, जातिवाद की बात ना करें यहाँ पर, ना किसी जाटों की बात करें, ना बाल्मीकि की बात करें, ना करें भाईचारे की बात, ना करें अनुसूचित जाति की बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोर्ड की एकता की बात करें, ना किसी पार्टी की बात ना करें, ना कांग्रेस की बात करें, ना कोई आम आदमी पार्टी की बात करें, ना बीजेपी की बात करें, ना संविधान की बात होनी चाहिए। आज जो हमारे संविधान के अधिकार हमें मिलने चाहिए वो हमें लेने हैं, और हम उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, कि पार्टी बाजी के साथ आपके, और आपने कहा हमने वहां प्रत्याशी उतार दिया, इससे तो मुझे आपकी पार्टी की बू आ रही, संगठन की बू नहीं आ रही। आज पार्टियों से तो भिन्न होकर के हम दुखी हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लड़ता, तो मैं चाहता हूँ हमारे संगठन मजबूत हो, हम अपनी बात करें, अपनी मतदान का प्रयोग करें। अकानी जी हम आपके साथ जुड़ेंगे।